ब्रह्मचारिणी रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। ब्रह्मचारिणी का मतलब तो तप की चारिणी है, भक्तों को अपनी माता यह पार तारिणी है। राजा दक्ष प्रजापति के घर पूर्व जन्म था हुआ, भोलेनाथ के संग किया था माता सती ने विवाह। लेकिन दक्ष ने यज्ञ में कर दिया भोले का अपमान, हवन कुंड में कूद के दे दी माता सती ने जान। फिर तो हिमालय के घर में यह पुत्री बन आई, पार्वती गौरा और शैल की पुत्री कहलाई। दर्शन करने इनके नारद जी चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नारद जी ने आकर के माता को किया नमन, बोली गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण। नारायण नारायण कर वो लगे हैं फिर मुस्काने, बोले मैं क्या बतलाऊं माँ आप तो सब कुछ जाने। जानता हूँ मैं शिव शंकर को आपने वरना है, बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है। करके घोर तपस्या आप शिव शंकर को पाओगी, तप का आचरण करने वाली माता कहलाओगी। इतना कहकर नारद जी तो लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। इनके पिता को हो गई इनके विवाह की चिंता, पार्वती का खोजन वर एक पंडित को भेजा। दसों दिशाओं में वह पंडित घूम के आया है, कोई योग्य वर पार्वती के लिए ना पाया है। बोली पार्वती हे पंडित जाओ तुम कैलाश, शंकर है मेरा वर जो करता वही निवास। कहने से गौरा के पंडित है कैलाश पे आए, देखा के एक योगी
कोई बैठा वहां पे ध्यान लगाए, देख के बूढ़े बाबा को पंडित घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। फिर पंडित ने जा करके है शिव को किया नमन, बोले शिव हे पंडित बतलाओ आने का कारण। बोला पंडित राजा हिमालय के यहाँ से मैं आया, पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहा, जिद है पार्वती की विवाह बस आपसे करना है, बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है, बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने, अंतर्यामी हो खुद ही भोले आप सब जाने। अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नवरात्रे में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। माँ गौरा ऐसे शिव ना मानेंगे, इसीलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में, बैठ गई वह ध्यान लगा कर शिव ही शिव ध्याए, कई हजारों वर्षों तक बस कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल छोड़ दिए फिर खाए पत्ते बेल, माँ की महिमा माही जाने कैसा अजब है खेल, पेड़ से टूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता, घोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता, देख के ब्रह्मा विष्णु चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपर्णा, ठान लिया था माता ने बस शिव को है वरना, ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर्जर, रही अटल अपने निश्चय पे रही घोर तप कर, फिर तो माने खाने छोड़ दिए सूखे पत्ते भी, बोले ब्रह्मा विष्णु यह संभव है आपसे ही, ऐसे घोर तपस्या आज तक कोई ना कर पाया, ब्रह्मचारिणी नाम मात का तप ही कहलाया, भोलेनाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। के घर जाओ है वरदान, किसी शंकर को पति रूप में पाओ। फिर दोनों आए कैलाश पे शिव शंकर को मनाने, भोले तो भोले हैं इनकी माया यही है जाने। खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार, करो विवाह अब पार्वती से जग का हो उद्धार। कहने लग की भोले जैसी आपकी है इच्छा, आज्ञा आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु के कहने से मान वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। ब्रह्मचारिणी रूप में माने ऐसा किया घोर तप, इस सृष्टि में ऐसी तपस्या किसी ने ना की अब तक। तप का आचरण करने वाली यही माता है, ब्रह्मचारिणी रूप का जो भी ध्यान लगाता है। त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना, कठिनाई जो कुछ आए तो शक्ति देती माँ। दूजे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, शक्ति दायनी माता से वो शक्ति पाते हैं। भक्ति पथ से अपने मन को ना भटकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। अपने हर एक जन्म में माने शिव को पाया है, कभी सती कभी पार्वती का रूप बनाया है। आदि शक्ति है माता ये जग को तारने वाली, यही शारदा यही है लक्ष्मी और यही है काली। नौ रातों में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है, रूप में माता ब्रह्मचारिणी कहलाती है। बाएं अंग विराजे शिव के करती शेर सवारी, भक्तों को माँ हर एक रूप में लगती है प्यारी। धन्य भाग भक्तों के दर्शन से हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार।
ब्रह्मचारिणी रूप की जो भी करते हैं भक्ति, कठिन परिस्थितियों से निपटने की मिलती शक्ति। हे माता रानी देना बस इतना आशीर्वाद, भूलू ना कभी नाम तुम्हारा मुझे रहे सदयाद। हंस राज रिल हन माता तेरी शरण में है आया, अपनी कृपा दृष्टि की बस रखना तुम छाया। डीएस पालन महिमा ब्रह्मचारण की है गाई, फौजी सुरेश की कलम से निकली है ये कविताई। सुनकर महिमा भक्ति भाव में सब बह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात